क्या पूर्व राष्ट्रपति के एक फैसले ने धरती की जन्नत को दोजख बना दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है। अजीत डोभाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान होना बड़ी गलती थी, क्योंकि किसी देश की संप्रभुता से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। डोभाल ने साफ कहा कि देश संप्रभुता को न तो कमजोर किया जा सकता है और न ही गलत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। डोभाल ने ये बात सरदार पटेल पर लिखी गई किताब के विमोचन कार्यक्रम में कही। एनएसए की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 35A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के साथ ही डोभाल ने कहा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री ने देश की मजबूत आधारशिला रखने में अहम योगदान दिया। अंग्रेज भारत को एक संप्रभु देश की तरह नहीं छोड़ना चाहते थे और पटेल ने उनकी योजना को पहले ही भांप लिया था। पटेल का योगदान सिर्फ राज्यों के विलय तक नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने ऐसा संप्रभु देश बनाने की कोशिश की जहां लोगों की संप्रभुता संविधान में स्थापित हो। लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग संविधान देश के संविधान के साथ ही लागू कर दिया गया। दरअसल 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 35A जोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को स्थायी निवासी मानता है जो 14 मई 1954 के पहले कश्मीर में बसे थे। यही नहीं, अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति में उलट है। यही नहीं, आर्टिकल 35A की वजह से स्थायी निवासियों को जमीन खरीदने, रोजगार पाने और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिले हैं। देश के किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर बस नहीं सकता। दूसरे राज्यों के निवासी न कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और न ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है। साथ ही ये दलील दी गई कि संविधान बनाते वक्त कश्मीर के ऐसे विशेष दर्जे की कोई बात नहीं की गई थी। धारा 370 टेम्पररी प्रावधान था जो उस वक्त हालात सामान्य और लोकतंत्र मजबूत करने के लिए लाया गया था। इसका विरोध करने वालों की दलील है कि ये राष्ट्रपति आदेश है जिसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस पर संसद में कोई चर्चा और बहस नहीं हुई और संसद को बताए बिना 35A को ऐसे आदेश के जरिए संविधान में जोड़ दिया गया। इसे राष्ट्रपति आदेश से जबरन थोपा गया है।